अलमेकम स्टूडेंट्स टूडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन आप सब जानते हैं कि सेकेंड ईयर पार्ट टू में हम नॉवल पढ़ते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स जिसे लिखा है जेम्स हिल्टन ने सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट बाय द इंट्रोडक्शन फर्स्ट वो इंट्रोडक्शन ऑफ द नावल एंड देन वो डिस्कस द मेजर करैक्टर ऑफ दिस नावल सो स्टूडेंट लेट्स इंट्रोडक्शन गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ अ टचिंग सेंटीमेंटल टेल ऑफ अ बिलव्ड ब्रिटिश स्कूल मास्टर मिस्टर चिप्स जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंटीमेंटल एंड टचिंग टेल है एक बहुत ही बिलव्ड ब्रिटिश जो कि ब्रिटिश बरतानिया का स्कूल मास्टर है स्कूल का टीचर द नावल ट्रेसिज हिज लाइफ एंड कैरियर फ्राम हिज डेज एज आ नर्वस यंग टीचर टू हिज स्टेटस एज द स्कूल एल्डर स्टेट्स मैन Uh, इसके अंदर नावल के अंदर जो है ए, उसकी लाइफ को और उसके कैरियर को उन दिनों से दिखाया गया है जब वो एक बहुत ही ज़्यादा नर्वस यंग टीचर से लेकर उसके स्टेटस जो उसको बाद में स्कूल में एज अ एल्डर स्टेट्स मैन के तौर पर दिया गया डिस्पाइट द मैनी चैलेंजेस ही फेसिस उसके दौरान उसने बहुत से जो चैलेंजेस थे वो फेस किए थ्रो आउट हीज़ लॉन्ग टेन ईयर डिवोशन टू द स्टूडेंट्स रिमेन्टेड फास्ट और तमाम उसकी जो चैलेंजेस थे जो उसने फेस किए ड्यूरिंग हिज स्कूल मास्टरशिप स्कूल जो मास्टर जब वो स्कूल में आया तो उसने उस दौरान जितने भी चैलेंजेस थे उसको जो फेस किए थे वो बताए गए हैं और उसकी डिवोशन उसकी कुर्बानियों को बताया गया है जो कि स्टूडेंट्स के लिए उसने दी थी और स्टूडेंट्स के दिलों में वो हमेशा के लिए रह गई सो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट बाई द इंट्रोडक्शन फर्स्ट यू नो वेरी वेल के अगर हम नावल के करैक्टर्स को डिस्कस कर लें तो हमें बाकी का भी जो लेसन है वो भी अंडरस्टैंड हो जाता है तो बेसिकली मिस्टर चिप्स इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन मिस्टर चिप्स है जो कि स्कूल में एज अ स्कूल टीचर जो है वो टीचिंग uh, स्टार्ट करता है तो तब से ले कर उसके एंड तक जहाँ तक वो स्टूडेंट्स के लिए कुर्बानियाँ करता है और डिवोशन करता है उसकी सारी जिंदगी को बताया गया सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द करेक्टर ऑफ मिस्टर चिप्स द मेन करेक्टर और द मेजर करैक्टर और देंट्रल करेक्टर ऑफ दिस नावल सो मिस्टर चिप्स वॉज अ हैंडसम यंग मैन मिस्टर चिप्स जो था वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और जवान आदमी था वन ही इज जॉइन ब्रुक फील्ड स्टूडेंट्स ब्रुक फील्ड इज द स्कूल वियर मिस्टर चिप्स जॉइन एज अ टीचर मिस्टर चिप्स ने वहाँ पे uh, जॉइन किया ब्रुक फील्ड को एज अ टीचर हिज रियल नेम वॉज चिपिंग उसका असल नाम जो था वो चिपिंग था ही ग्रेजुएटिड फ्राम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उसने जो थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तलीम हासिल की थी ही डिवेल्प्ड हिम सेल्फ़ एज एन आइडियल टीचर उसने ख़ुद को एक बहुत ही ज़्यादा आइडियल टीचर बनाया विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता यानी कि ग्रेजुअली ही बिकेम अ वेरी पॉपुलर टीचर तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बहुत ही ज़्यादा जो पॉपुलर टीचर था वो बन गया था द नेक्स्ट वन करैक्टर इज द कैथरीन ब्रिजिज़ स्टूडेंट दिस करैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इफ द एग्जामिनर आस्क अबाउट द हु वाज़ द कैथरीन ब्रिज और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस ऑल दिस करैक्टर तो करैक्टर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पूछ सकते हैं करैक्टर्स के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है सो स्टूडेंट कैथरीन यानी कैथी ब्रिजिज चिपिंग Uh, the full name of catherine is the catherine bridge chipping it means that the catherine uh, relationship with the chipping is that the he, uh, she was the wife of the mr chips mr chips young wife so uh, next mr chips young wife whom he marries at 48 जब मिस्टर चिप्स 48 साल का था 48 एट ईयर का था तो इसने जो कैथरीन थी उसने शादी की थी मिस्टर चिप्स से शी इज़ वेरी पॉपुलर विद द बॉयज़ वो लड़कों में जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मकबूल समझी जाती थी बहुत ही ज़्यादा उसकी वैल्यू थी शी डाइज इन चाइल्ड बर्थ अलॉन्ग विद हर इन्फेनट सन क्या हुआ जब वो माँ बनने वाली थी जब मतलब कि उसके घर बच्चा पैदा होने वाला था तो वो मर गई थी कैथी शोड अस हाउ टू इंजॉय लाइफ इस नावल के अंदर कैथी जो है यानी कि कैथरीन जो है वो हमें बताती है कि किस तरह उसका जो करैक्टर है वो बताता है कि किस तरह हमें अपनी लाइफ को इन्जॉय करना चाहिए शेयर जॉय एंड लाफ और किस तरह हमें हंसना चाहिए The, so, students next one character is the weatherby, weather by the head of Brookfield when Mr. Chips came here. So, student, if uh, the examiner asks about who was Mr. Weatherby. So you can say that weather by the head of Brookfield when Mr. Chips came there. So when Mr. Chips came at the Brookfield, Weatherby was the principal of the Brookfield. Uh, the next one character is the Mrs. Wicket. Uh, Mrs. Wickett is also a lady character. So, uh, what is the role of Mrs. Wickett Mrs. Wicket, his landlady. Mr. Chips live with her after his retirement. Mr. Chips, when Brookfield retired, was Mrs. Wicket. And Mrs. Wicket was the landlady, and uh, she was also uh, she is uh, she was also doing job at Brookfield. Uh, that's uh, and uh, her house situated across the road to the brookfield so uh, mr chips live uh, in mrs wicket house after his retirement and the next one character is the doctor marival doctor marival is also a male character doctor marival mr chips physician mr chips uh, whenever he became an old man then dr marival came ही इज़ ऑल्सो द फ्रेंड ऑफ मिस्टर चिप्स एंड केम एंड चेक द मिस्टर चिप्स ही चेक्स ही हेल्थ वो उसकी हेल्थ चेक करता ऑन अ बाई वीकली बेसिस यानी कि हफ्ते के हफ्ते आके वो मिस्टर चिप्स की जो था वो हेल्थ को चेक करता था रॉलसन रॉलसन इज द करेक्टर रॉलसन अंग हेड मास्टर एट बुक फील्ड होम मिस्टर चिप्स नैवर लाइक्स रॉलसन जो था वो आया था ब्रुक फील्ड में जब आ, ब्रुक फील्ड में आया था जब ब्रुक फील्ड के जो हेड मास्टर थे उसकी डेथ हो गई थी तो देन रॉल्सन केम देयर एंड बिकम द हेड मास्टर ऑफ द ब्रुक फील्ड एंड लेकिन मिस्टर चिप्स जो था वो रॉल्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था ही करे मिस्टर चिप्स टू रिटायर तो वो मिस्टर चिप्स को फोर्स करता था कि वो रिटायरमेंट जो मिस्टर चिप्स हैं वो रिटायरमेंट ले लें ब्रुक फील्ड से लेकिन जो मिस्टर चिप्स थे वो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना कभी रिटायरमेंट रॉलसन के कहने पर ली चैटरीज चैटरीज इज आल्सो द मेल करेक्टर एंड हुज चैटरीज रॉलसन सक्सेसर एज हेडमास्टर रॉलसन के बाद चैटरीज आया था वहाँ पे मास्टर ही एंड मिस्टर चिप्स गेट ऑन वेल Uh, वो और मिस्टर चिप्स जो थे उन्होंने बड़ा अच्छा जो स्कूल था उसको चलाया था ही मिस्टर चिप्स टू कम आउट ऑफ रिटायरमेंट एंड रिटर्न टू ब्रुक स्कूल तो जब मिस्टर चिप्स फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स जो थे टू कम आउट ऑफ रिटायरमेंट एंड रिटर्न टू ब्रुक तो उन्होंने ये बोला कि वो रिटायरमेंट को छोड़ के ब्रुक को दोबारा से ज्वाइन कर लें वापस आ जाए कोले who was the cole uh, students examiner uh, can ask you that who was the character of cole and what is the role of cole and what is the relationship cole with the brookfield and the mr chips so student you can write this answer cole a brookfield boy brookfield make larka whom mr chips disciplined on his first day at the school cole's son and grandson later become pupil of मिस्टर चिप्स कॉलेज जो था वो ब्रुक फील्ड में पढ़ता था एक लड़का था जो कि मिस्टर चिप्स को फर्स्ट डे जिस मिस्टर uh, चिप्स ने जब ब्रुक फील्ड ज्वाइन किया था तो उसका सामना हुआ था बट आफ्टर दैट कोले सन कोले का बेटा और उसका पोता जो थे वो भी मिस्टर चिप्स के जो थे वो स्टूडेंट रहे थे लिन लिनफोर्ड इज़ आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर एंड and examiner ask you who was the lean ford or what was the role of the lean ford in the uh, novel so you can write this answer lean ford a brookfield boy lean ford is also a brookfield boy ye bhi brookfield ka ladka tha the last to say जिस दिन मिस्टर चिप्स की डेथ होनी थी ये मिस्टर चिप्स के पास था उस रात और the last to say goodbye मिस्टर चिप्स the night before the old man dies मिस्टर चिप्स के मरने से एक रात पहले जो जिसने मिस्टर चिप्स को कैथरीन के बाद दोबारा गुड बाय बोला था वो लिनफोर्ड था सो स्टूडेंट्स so uh, हमारे जो करैक्टर हैं मेजर करैक्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टर्स यहाँ पे एंड होते हैं थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स सो अपने इनको पढ़ना है एक दफ़ा और ध्यान से देखना है और uh, अगर एग्ज़ामिनर इफ एग्ज़ामिनर आस्क यू अबाउट एनी वन करैक्टर सो यू कैन राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन